कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मुर्गा मसाला और रोटी चावल लगा हुआ है। ये मुर्गा मसाला और रोटी चावल दिलाने वाला है 2100 रुपये। तो देखिए कौन 2100 रुपये पाता है और कौन केवल मुर्गा मसाला और रोटी खा कर जाता है। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मुर्गा मसाला और रोटी के साथ चावल लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है मुर्गा मसाला रोटी चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चिकन चावल और रोटी लगी हुई है। तो आज हमारा चिकन चावल रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में मोहम्मद यासीन जी और अनिल जी बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में जो भी विनर होगा वो पाएगा 2100 रुपये पुरस्कार और टाइम है 7 मिनट। अगर 7 मिनट में ये लोग कंप्लीट कर लेंगे तो 2100 रुपये की राशि पाएंगे। अगर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा और कोई पैसा लिया भी नहीं जाएगा। तो देखते हैं ये लोग कितने समय में कंप्लीट करते हैं इस प्लेट। तो पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए। भैया टाइमर चालू होते ही अनिल जी पूरी तरह से रोटी लेकर एकदम पहलवानी की तरह जुट चुके हैं और यहाँ पर पहलवानी दिखाना चालू कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और ये लोग मोहम्मद यासीन पूरी तरह से रोटी का कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और हड्डी खाने पर 1000 का जुर्माना है। और वो यहाँ पर नहीं बल्कि डॉक्टर मिलेगा। चिकन और चावल रोटी ही खाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और दोनों लोग एक नए हौसले के साथ आए हैं तो देखते हैं दोनों लोग इस हौसले को कहां तक बरकरार रखते हैं। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और रोटी को तोड़े तो हैं मोहम्मद यासीन जी लेकिन उस रोटी को भिगो नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, अपने हिसाब से खाने दीजिए। और अपने हिसाब से खा रहे हैं और सूझबूझ से खा रहे हैं। दोनों ही चैलेंजर एक एक्सीलेटर में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। पावर के साथ दोनों लोग बैठे हैं। तो देखिए अनिल जी को ही चैलेंज दिए हैं। मतलब आज तो अनिल जी के लिए ही मेन चैलेंज है। यासीन जी तो हमको लग रहा है 100% जीत जाएंगे। और देखना है अनिल मोहम्मद यासीन को हराते हैं या खुद उनसे हार जाते हैं। बहुत अगर और अनिल जी अगर जीतते हैं तो आज एक नई मिसाल खड़ी कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अगर अनिल जी जीत जाएंगे तो 100 रुपये हमारी तरफ से और 2200 रुपये हो गया। बहुत गजब, आज कबीर जी की तरफ से भी 100 रुपये का एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर जो है 100 रुपये और लग गए अनिल के ऊपर राजू जी की तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अगर अनिल जी जीतते हैं तो 2300 रुपये का पुरस्कार है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। और देखना है कि ये 2300 रुपये अनिल जी लेकर जाते हैं या 2100 रुपये मोहम्मद यासीन को लेकर जाते हैं। दोनों लोग ही जीत जाएंगे जिस हिसाब से मतलब लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और यहाँ पर जो विशेष देखा जा रहा है तो मोहम्मद यासीन जी बहुत ही फुर्ती से आ चुके हैं और उसी फुर्ती से अनिल जी भी लगे हुए हैं क्योंकि यासीन जी की एक रोटी बची हुई है और अनिल जी की भी एक रोटी खत्म हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अभी रोटी नाम की चीज खत्म हो गई है। मोहम्मद यासीन जी अभी थ्रेसर चलाने वाले हैं 744 हॉर्सपावर वाला। और दोनों चैलेंजर हमको लग रहा है आज विनर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और पानी बहुत दूरी पे रखा गया था मोहम्मद यासीन जी के लिए। मतलब इस फासले को एकदम नजदीक कर दिए हैं और दोनों ही चैलेंजर एक तगड़े चैलेंजर के रूप में उतरे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और यहाँ पर अनिल जी अब चावल में जुट चुके हैं जबकि मोहम्मद यासीन जी अब चावल में हाथ लगाए हुए हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन मोहम्मद यासीन जी की जो बाइट है शायद अनिल जी का उस बाइट का कमाल नहीं दिखा पाएगी। और मोहम्मद यासीन जी पूरी तरह से फुल बाइट मतलब हाई वोल्टेज वाली बाइट मार रहे हैं मोहम्मद यासीन जी। और दोनों चैलेंजर एक अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत और देखते ही देखते अनिल के बराबर में आ चुके हैं चावल को लेकर। नहीं नहीं, अनिल के बराबर अभी नहीं पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। आज अनिल जी साबित कर देना चाह रहे हैं कि हम चैलेंजर हैं तो हैं। बहुत गजब, किसी चैलेंजर से कम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और यहाँ पर अनिल जी के 2300 रुपये का सवाल है जबकि मोहम्मद यासीन 2100 रुपये के साथ अभी चल रहे हैं। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और आग दबा दबा कर मोहम्मद यासीन दिखा रहे हैं कि आज दबा के खाएंगे। और इस दबा हुआ चैलेंज में देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अनिल और मोहम्मद यासीन पूरी तरह से चिकन भी बराबर के हिस्से में खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, और लग और रहा है कि यासीन जी को लग रहा है मिर्ची लग गई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। आराम से खाइएगा
और इस भागा दौड़ी के चैलेंज में मोहम्मद यासीन जी आंख मार मार के खा रहे हैं मुर्गे को। नहीं नहीं, आंख मुर्गे को नहीं मार रहे हैं, मिर्ची इतनी ज्यादा है राजू जी डाल दिए हैं इस चिकन में कि तीखा बहुत ज्यादा यासीन जी को लग रहा है, आंसू आ रहे हैं। सभी दर्शक कमेंट करके बताएं कि राजू के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए कि न लगाई जाए। और अगली बार राजू को जोलो चिप्स खिलाया जाएगा इसके एवरेज में। इसके एवरेज में अगर जीतते हैं तब भी जोलो चिप, नहीं जीतते हैं तब भी जोलो चिप। नेक्स्ट चैलेंज में राजू को खिलाने की सजा दी जाएगी अगर। लेकिन ये सभी दर्शकों की भी राय लेना उचित है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतनी मिर्ची क्यों डाले हैं। मिर्ची डालना था तो अपने ही मतलब प्लेट में डालना था। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी कोशिश है। और पानी यहाँ पर पानी है, सब दोनों लोगों के पास है। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। देखते ही देखते अनिल जी बहुत ही बहादुरी से चावल को, यासीन जी से काफी आगे चल रहे हैं अनिल जी, और यासीन जी अभी उनसे दो पीस से पीछे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और 100% आज बाजी मारने वाले हैं तो अनिल जी मारने वाले हैं। मोहम्मद यासीन जी को कोई डिस्टर्बेंस जरूर हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना चैलेंजर सब अपने हिसाब से चैलेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यासीन जी आंख में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, अभी बाद में बताएंगे चैलेंज के बाद। अगर आपको दिक्कत हो रही हो छोड़ सकते हैं चैलेंज। मोहम्मद यासीन जी अगर आप लोगों आपको कुछ दिक्कत होती हो तो आप छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है। नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा गमछे का प्रयोग किया जा रहा है, और रहा है कि बोल रहे हैं चिकन का जो है वो ग्रेवी पड़ गए, ग्रेवी का छीटा पड़ गया में। इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से चैलेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, और जीत हाथ तो एक वो है। देखिए अगर कुछ भी दिक्कत हो, दो शेर लड़ेंगे तो एक ढेर होगा ही होगा। तो चलिए इस ढेर और शेर में देखते हैं कि विजयी कौन होता है। और यहाँ पर साबित होता है कौन ढेर होता है। अनिल तो हमको लग रहा है कि 2300 रुपए की राशि लेकर जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। और अभी भी चिकन का पीस बचा हुआ है, तो यही चिकन का पीस जो होता है निर्णायक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और अनिल जी आज 100% जीतेंगे तो जीतेंगे। यासीन जी तो हमको लग रहा है थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। कारण ये हुआ कि उनके आँख में थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, वही रहने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है अनिल जी। एक्सीलेटर लगाएंगे तभी जीत पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और उस एक्सीलेटर का देखिए फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पर बहुत अच्छी कोशिश है, एक्सीलेटर का फायदा उठाने के लिए आपको यासीन जी भी एक्सीलेटर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों चैलेंजर एक एक्सीलेटर फॉर्म में जुटे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और दोनों ही चैलेंजर एक तगड़े टक्कर दे रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय बहुत बढ़िया, मात्र 15 सेकंड बचा हुआ है। और पानी, और पानी दे दीजिए। बहुत बढ़िया, बगल हो जाइए राजू, बगल हो जाइए। पानी उनके, और पानी पीते पीते ही हमको लग रहा है समय समाप्त। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब जीत नहीं हो पाएगी, नहीं हुई। समय समाप्त, और एक बाइट से अनिल जी हार गए हैं, और यहाँ पर 2300 रुपए छोड़ दिए हैं। जैसे कि देख रहे हैं मोहम्मद यासीन थोड़ा सा आंख के वजह से प्रॉब्लम में हुए, लेकिन फिर भी काफी हद तक का साहस दिखाए। और यासीन जी भी एक पीस से एक बाइट से रह गए, और अनिल जी भी बाइट से रह गए। यहाँ पर अनिल जी पूरी तरह से उस बाइट को बाहर निकाल दिए हैं। नहीं नहीं, अनिल जी अभी भी मतलब विनिंग जोन में है, अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो अभी भी इनको कुछ न कुछ इनाम की राशि दी जाएगी। कंप्लीट नहीं हुआ है सलाद, और अभी पीस है, लेकिन जो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और दोनों लोग आए हौसला दिखाए, दोनों लोगों का धन्यवाद करते हैं, और दोनों लोगों को इनाम की राशि जो है 2100 ना दे करके जो अनिल जी जीते हैं तो इनको 2300 के बजाय 300 रुपये इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर भी इतना हौसला दिखाए इसके लिए भी धन्यवाद, और 2000 माइनस हुआ इसके लिए भी धन्यवाद। अनिल जी आए, साहस दिखाए, अनिल जी का धन्यवाद करते हैं, और इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो अनिल जी पैसा पा गए हैं। हाँ भाई, ये इनाम की राशि नहीं है, सांत्वना पुरस्कार है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बना था मुर्गा। हाँ। चावल और चपाती एकदम बहुत टेस्टी लगा। हाँ। वसीम भाई बताएंगे इसके बारे में क्या इनकी सिचुएशन खराब तो हो गई। यासीन भाई तो इतना बढ़िया बना था, मुंह से नहीं आँख से भी खा लिए, और उस आँख से अभी तक आँख खुल नहीं पा रही है। तो चलिए ठीक है, चैलेंज से ज्यादा तुमको पनिशमेंट हो चुकी है। ये लोग आए हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।